आप देखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो आपको फोर टाइप ऑफ जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन कौन एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखो उसमें ये आपको इस तरह से और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो हकल रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे फोर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, तो फोर पाई होते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो भी देखो ये हाइड्रोजन और उस पर प्लस चार्ज आ गया फिर, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें जो है आप अगर हकल रूल फॉलो करवाने की सोचो तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4n n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 4 तो 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आएगा तो वो एरोमेटिक होगा, तो यहाँ है तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यही।